मैं एक सस्पेंस नॉवल पढ़ रही थी और उसमें एक लड़की ने अपने पड़ोसी का खून कर दिया। क्यों क्यों कर दिया? क्योंकि वो पड़ोसी उस लेडी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। कहीं ये कहानी हकीकत में न बदल जाए। देखिए सक्सेना जी, हम आज तक कभी किसी पर हाथ ना ही उठाए हैं। तिवारी भैया ना, एक नंबर के लीचड़ और घटिया आदमी है वो। कमीने जब मरे थे ना, तब एक तिवारी भैया जैसा कमीना पैदा हुआ था। सक्सेना जी कैसे आंधे पड़े हैं? हेलो सक्सेना जी, भाभी जी, व्हाट हैपेंड? वो कहाँ है ना भरभूति जी? इस सक्सेना जी आए और हमको बोले हमको मारो मारो। तो हमने कहा हम आपको ना ही मार सकते हैं, तो लड्डू के भैया को भला बुरा बोलने लगे। हमको बहुत गुस्सा आए और हम बेलन सर पे मार दिए। बेलन सर? ये तो छोटी मोटी मार है, इनके लिए तो बड़े बड़े शौक लेते हैं। सक्सेना जी कमान, सक्सेना जी कमान, गरब सक्सेना जी कमान कमान, गिव मी लाइफ कमान यार। सक्सेना सक्सेना जी, व्हाट हैप्पी एंडिंग? अभी जी सक्सेना जी की अनहैप्पी एंडिंग हो गई। गॉड इज डेड, मर गए। तो अभी जी आप स्ट्रेस में भी कितनी खूबसूरत लगती हैं। बोला नहीं आई कीजिए इसको। हम पूछते का जरूरत थी झांसी की रानी बनने की? काहे मारा उस पगलट को? वो आपको गाली दे रहा था। भाभी जी किस किस को मारेंगे आप? इस शहर में शायद ही कोई ऐसा शख्स है जो इनको गाली ना देता हो। किस किस को मारते फिरेंगी आप? किसकी हिम्मत है हमें गाली देने की? हिम्मत नहीं, लोग बड़े शौक से आपको गाली देते हैं। शौक से गाली तो लोग आपको देते हैं। जब भी रास्ते में निकलते सब कहते देखो भभूतिया नल्ला जा रहा है। और जब आपका जिक्र आता है तो लोग कहते हैं कि तिवारी वही जो लीचड़ है कमीना, जिसका धंधा है कच्चे बनियान का। हाँ यही बोल रहा था वो लीचड़ और कमीना आपको। क्या कर रहे हैं बेतुकी बकवास? यहाँ पर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और आप लोग आपस में झगड़ रहे हैं। अब देखिए ना भाभी जी, अंगूरी के साथ इतना बड़ा पचड़ा हो गया है और ये फालतू की बगलोली कर रहे हैं। विभु, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अगर तुम यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे थे तो तुम सक्सेना जी को डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं गए? कमॉन गिव मी अ ब्रेक। वो आदमी भाभी जी के एक बेलन में टाइम बोल गया। छोड़ो, अंगूरी जी आप बताइए, आपने बेलन कितनी जोर से मारा था? हमको बहुत गुस्सा आया था, हम बहुत जोर से मारे। अरे कितनी भी जोर से मारा हो, लेकिन मारा तो बेलन ही था ना, कोई लोहे का सरिया तो नहीं मारा था। भाभी जी बहुत सही कह रही हैं,
ये सक्सेना बेलन की एक चोट से मरने वाली पार्टी तो नहीं लगता। तीन चार शौक नियमित रूप से लेता है, लोगों से हमेशा पिटता रहता है। भाभी जी हमको लगता है कि नाटक वाटक तो नहीं कर रहा। आप रुकिए मैं खुद देखती हूँ। पागल हो गई हो क्या तुम? तो एक डेड बॉडी को छुओगी और डीएनए छोड़ दोगी उसमें अपना? लेकिन विभू पता तो लगाना पड़ेगा ना कि वो जिंदा है मर गए। मैंने पता लगा लिया है। तुम्हें पता है ना मैंने 11, 12 साइंस में किए, बायोलॉजी का स्टूडेंट रह चुका हूँ मैं, मुझे आइडिया है। ही इज डेड, मर चुका है वो। अगर ऐसी बात है तो हमें फौरन पुलिस को इत्तला करनी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर हमने पुलिस को इत्तला की तो भाभी जी को जेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी अंगूरी जी को जेल? अरे कानून नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? नहीं। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, हम लोग कोई बहुत बढ़िया वकील कर लेंगे। अनु कानून अंधा होता है, वकील भाभी जी को कैसे बेगुनाह साबित करेगा बताओ मुझे। हम उनको बोलेंगे कि अंगूरी जी ने जानबूझकर खून नहीं किया। सक्सेना जी उनके पास गए, उन्होंने अंगूरी जी को उकसाया कि वो उन्हें मारे, अंगूरी जी ने गुस्से में वार किया और ये हादसा हो गया जो कि जानबूझकर नहीं किया गया। लेकिन केस तो हत्या का बनेगा ना यार? नहीं, गैर इरादतन हत्या का केस। लेकिन भाभी जी जेल में तो अंगूरी को तब भी जाना पड़ेगा और हम नहीं चाहते कि अंगूरी को जेल हो। तिवारी जी एक आइडिया है मेरे पास। कहिए क्या आइडिया है? आप ये खून अपने सर ले लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप बरबूती जी? ये खून हमने किया है, ये क्या है अपने सर पे लेंगे? क्योंकि भाभी जी ये आपके पति हैं, ये इनका धर्म है। He has to do it, he should do it. तो हम इनकी पत्नी है, इनको जेल जाते हुए कैसे देख सकते हैं? और अगर ये आपके सच्चे पति हैं, तो ये भी आपको जेल जाते नहीं देख सकते। ये क्या सच्चे पति लगा रखा है? हम के झूठे पति हैं? तो हिचकिचा क्यों रहे? जाइए, जाइए पुलिस स्टेशन में और कह दीजिए कि ये खून मैंने किया है। I'm the culprit, I'm the murderer. Don't tell. ये खून हमने किया है, हम जाएंगे। अभी जब ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगी। तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी अंगूरी? लेकिन हमारा अंतरात्मा को कुछ छोड़ रहा है। भाभी जी, let me take over this. किसी को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। मैं और तिवारी जी लाश को ठिकाने लगा देंगे। आपने गलत टेक ओवर किया है और आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नहीं नहीं भाभी जी, हमको लगता है कि नल्ले भभूति जी ने बहुत सही टेक ओवर किया है। हम इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन हम अपना जुर्म कबूल करना चाहते हैं। भाभी जी आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे आप। अंगूरी तुमको हमारी कसम। लड्डू के भैया, अरे आप दोनों गलत कर रहे हैं। अनु तुम्हें मेरी कसम। मरने के बाद सक्सेना के चेहरे पे कितना ठहराव आ गया। अच्छा हुआ लड्डू के स्किट्स काम आ गए और हमारी इंटेलिजेंस भी काम आ गई। भाभी चाली साहब बंद कीजिए, अब एक काम करते इसको वहां कहीं ले जाके बिठा देते। सीधे रस्ते की ये चेरी चाल है।
आराम आराम से। यहाँ बैठा दे क्या? जगह ठीक लग रही है वैसे तो। ए वाह भैया, अरे क्या ये एक्सप्रेशन है। अरे भगवती जी तो हमारी फिल्म बना रहे हैं। बंद कर कैमरा। अब भैया जी थोड़ी सी और बना दो। बंद कर कैमरा, बंद कर। अरे अरे भैया जी, आप लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे हमने आपको कोई कांड करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अब तुम लोग क्या कर रहे हो, ये रात को क्या छोटी छोटी खेल रहे हो तुम लोग, बंद करो ये सब। भैया जी दरअसल ना बात जो है रही कि हमने ना नया बिजनेस स्टार्ट करो है शादी में वीडियो फिल्म बनाने को, बस वाई की प्रैक्टिस चल रही। अरे तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें ही मिले थे क्या बे? अरे अक्षरा भैया भी तो है। अक्षरा भैया हेलो। अब मुझे एक बात बताओ, सक्सेना जी इतने चुप क्यों है रे? सक्सेना भैया का होगो? वो क्या है ना, रास्ते में हम तीनों ने पी ली, इन्होंने कुछ ज्यादा ही पी ली। इन्होंने इतनी पी ली कि इसे चले ही नहीं जा रहा था, इसे तो स्केच बनाया इनके पैर में, तो आपको ड्रैग करके लेके जा रहे हैं घसीट के घर में, बहुत पी ले। अबे मलखान। हाँ बोल। यार इनको देख कर है ना मुझे थोड़ी तलब उठ रही है, चले क्या? ये बात है तो इसमें सोचने की क्या बात है। हाँ। चल सीधे ठेके पे चल ले। हाँ। थैंक यू भैया जी। हाँ। मजा आगो। यार वो वो। लेकिन भभूति जी इन्होंने तो हमारा चलचित्र खींच लिया और इन दोनों ने हमको सक्सेना जी के साथ देख लिया है, तो अब क्या करें? अब इनको यहाँ छोड़ना सही ना होगा। काम करते हैं, घर चलते हैं, सोचते क्या करना है। चलिए चलिए। अनीता जी हमारा मन बहुत बेचैन हो रहा है। गुरु जी आप प्लीज हिम्मत मत हारिए, हम अपने आप को कभी माफ ना ही कर पाएंगे। नहीं नहीं गुरु जी, मुझे पता है कि आप बहुत ही सच्ची और बहादुर हैं, लेकिन ये जो हमारे हस्बैंड्स हैं ना ये एक नंबर के डरपोक हैं। नहीं नहीं लड्डू के भैया जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे लिए ही तो कर रहे हैं। अंकुरी जी मैं भी नहीं चाहती कि आपका एक भी बाल बाका हो, लेकिन जो ये हमारे हस्बैंड्स कर रहे हैं ना ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ये कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं, जुर्म को छुपा रहे हैं। इनको नहीं पता है कि जुर्म छुपाना जुर्म करने से भी बड़ा जुर्म होता है। मिठाई आ गए हैं। मैं देखती हूँ। क्या हो गया आप दोनों को? ये सारी गलती तिवारी जी की। इतने बड़े बॉलम हैं, इनको पता है कि इनकी घंटी में करंट आता है, उसके बावजूद इन्होंने घंटी दबा दी। इस आदमी में इतनी पेशेंस नहीं है कि देख रहा है कि एक आदमी लकड़ी ढूंढ रहा है, लेकिन नहीं दबा दी। सीधे खड़ा हो। चॉकलेट की चलिए। अरे क्या हो गया, आप दोनों तो सक्सेना जी को ठिकाने लगाने गए थे, इनको वापस लेके क्यों आ गए? क्या बताएं भाभी जी, जैसे ही सक्सेना जी की लाश को लेके हम वो गली के नुक्कड़ तक पहुंचे तो दो आवारा लौंडे टीका और मलखान ने हमारा वीडियो खींच लिया। देखा, मैंने कहा था ना ये सब कुछ गलत है। सोचिए अगर पुलिस के हाथ ये वीडियो लग गया तो हम सारे के सारे फंस जाएंगे। विभु इससे अच्छा होता कि हम बस बस यार इतना हाइपर क्यों हो रही हो तुम अन्नू? यार दोनों लौंडे शादी में वीडियो बनाने का काम शुरू कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कहा उनको पता
चल गया कि सक्सेना जी डैडी है। अभी इट्स नॉट डैडी, इट्स डेड। सही पकड़े हैं। उन गधों को कुछ नहीं पता है। अरे लेकिन हमारा चलचित्र तो उनके कैमरे में कैद हो गया है ना, और उन्होंने सक्सेना जी की लाश के साथ हमें देख भी लिया है। वो चलचित्र हम ले लेंगे उनसे 150 रुपए में, टेंशन मत लीजिए। विभो विभो, क्या हो गया तुमको? तुम तो बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह प्लान बना रहे हो। तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है विभो। क्या करूं मैं, क्या करूं, टेल मी क्या करूं, क्या करूं मैं? तिवारी जी बन जाऊं, फपल जाऊं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं? आई एम कॉलिंग द शॉट्स। मैं यहां पे सबको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर गॉड सेक्स गिव मी अ ब्रेक। और मैं पड़ोसी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। थैंक यू भभूति जी, पड़ोसी हो तो आप जैसा। अब एक काम करते हैं, इस लाश का कल तक कुछ करते हैं, तब तक आप इसे अपने घर लेकर जाइए। वाह 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 वाह, आपको मैंने उंगली का पकड़ाई, आपने मेरा गला दबोच लिया। आप एक मामूली सी लाश रख नहीं सकते अपने घर में, एक मामूली सी लाश? अरे भाई, हमें बचपन से लाश के साथ रहने की आदत नहीं है। माफ कीजिएगा तिवारी जी, मुझे भी बचपन से लाशों के साथ रहने की आदत नहीं है, और मैं तो इस लाश के साथ एक रात क्या एक मिनट भी नहीं रह सकती। सोचिए, अगर सक्सेना जी की लाश रात में खड़ी होकर बोलने लग गई, आई लाइक इट, तो अनु लेट्स गो, लेट्स गो। अरे रुक जाइए, रुक जाइए। तू भी बस खड़ी भी देखती रहना है ना, लाश को सहारा मत देना। कैसे हाथ लगा इसको? धीरज धीरज धरो अंगूरी, अगर तुम टूट जाओगे तो फिर हम भी तो टूट जाएंगे ना। लड्डू के भैया, हम जेल चले जाएंगे तो आप हमसे मिलने आएंगे ना? तुम जेल वेल नहीं जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो आप ही कहना चाहते कि आप हमने खून का इल्जाम आपके सर पर लेंगे और आप जेल जाएंगे? नहीं नहीं, हमने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जेल कोई नहीं जाएगा, ना तुम ना हम। लेकिन हमारे हाथों खून हुआ है। तो ये कौन जानता है? सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम जानती हो, भभूति जी जानते, भाभी जी जानते, पुलिस को पता नहीं चलेगा। हम बताएंगे पुलिस को कि हमारे हाथों खून हुआ है। अरे तुम बार बार ये रट क्यों लगाए हो कि हम पुलिस को बता देंगे? तुम्हें जेल जाने का ज्यादा शौक है क्या? नहीं, हमको जेल जाने का शौक नहीं है, लेकिन हमारा समीर नहीं मान रहा है। समीर? अरे वो जमीर होता है पगली। सही पकड़े हैं। हम अपने जमीर को का जवाब देंगे? वो इस बात की गवाही ना ही देगा। अरे फिलहाल अपने समीर को लपेट कर अलमारी में रख दो। नहीं रख सकते ना, अगर हमको हमारी किए की सजा नहीं मिल गई तो हम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं करेंगे। अंगूरी, हम वैसे ही बहुत टेंशन में हैं, वो भी इस पागल सक्सेना की वजह से। खुद तो मर गया साला, हमारे लिए मुसीबत छोड़ के चला गया। लड्डू के भैया, हम जेल चले जाएंगे तो आप हमारे पौधों का ख्याल रखना। तुम कहीं नहीं जाओगी पगली। लड्डू के भैया, हम जेल चले जाएंगे तो लड्डू को हमारी कभी महसूस नहीं होने देना। तुम कहीं नहीं जाओगी पगली। लड्डू के भैया, अब एक शब्द मुंह से निकाला ना तो हम पागल हो जाएंगे। चुप साले सक्सेना, तो क्यों मेरी बोली वाली बीवी के साथ तुम्हें है? अंगूरी को छोड़कर, भाभी जी को छोड़कर कहीं और जाके मर जाता, हमारे लिए क्यों मुसीबत खड़ी कर दिया? क्यों तुमने मर जाता ऐसा क्या? क्यों साले? अगर तू जिंदा होता ना तो हम तुझे मार देते। दरोगा जी, हमारे हाथों खून हुआ है, आइए हमको गिरफ्तार कर लीजिए। अंगूरी, पंडित जी, पुलिस कैसे आई यहाँ पर? तुम लोग रहते कहाँ पे हो, कुछ पता भी है? अरे कितना बड़ा कांड हो गया है। का होगो? तिवारी जी किसी को लेकर भाग गए के? अरे नहीं, अंगूरी भाभी सक्सेना। का? अयो का कह रहे, अंगूरी भाभी सक्सेना के साथ भाग गई? मैं तो अंगूरी भाभी को बहुत सीधी समझा कर रहा था।
अरे बेल, अंगूरी भाभी सक्सेना के साथ नहीं भाग गई है, बल्कि अंगूरी भाभी ने सक्सेना का खून कर दिया है। यू कैसे होगा? आई डोंट नो, पुलिस नोज। बताना ही, हमरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? कौन आपके पीछे पड़ेगा नहाने के लिए? अब तो हफ्ता हफ्ता ना ही नहाते हैं। अरे अब हमें भरवा भिंडी कौन खिलाएगा? ऐसो है भैया तिवारी, जेल में हम सब व्यवस्था करवा देंगे भाभी के चूल्हे की, वहीं पे आके खा जाया करो। पप्पू सिंह जी, हम आपके हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अंगूरी को छोड़ दीजिए, बिल्कुल बेकसूर है। अरे ऐसे छोटे मोटे खून तो होते ही रहते हैं देश में, अब अंगूरी ने खा दिया तो कौन सी आफत आ गई? देखो भैया तिवारी, हम तुम्हारे जज्बात समझ रहे यार, जिसकी गोरी चिट्टी बीबी जेल जा रही हो, कौन पति बर्दाश्त करेगा? अरे तुम्हारी क्या कहें यार, तुम्हारी तो छोड़ो खैर, हमें तो खुद बुरो लग रहा हो, इतनी गोरी चिट्टी भाभी के गोरे गोरे हाथन में हथकड़ी लगा के जेल ले जाते हुए, समझो करो। अगर बुरा लग रहा है तो फिर छोड़ का ही नहीं देते? भाभी को छोड़ दें और का, और फिर हमारी नौकरी को का हुए? अरे तो दूसरा धंधा कर लीजिएगा ना, नहीं तो कच्चे बनियान के बिजनेस में हमारे साथ पार्टनर बन जाइए, और क्या। ऐसो है भैया तिवारी, जब अपने सड़े भाई आईडी अपनी जेब में रखो, खोपड़ी ना खाओ हमारी। भाभी चलें।